पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में वकीलों ने एक बीजेपी एमएलए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों का आरोप है कि विधायक कोर्ट के मामले में दखलंदाजी कर रहे हैं। उन्नाव विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप समेत कई गंभीर आरोप लगने के बाद अब बस्ती जिले के हरैया से विधायक अजय सिंह पर अदालत के कामकाज में दखलंदाजी का आरोप लगा है। बस्ती बार एसोसिएशन का आरोप है कि शुक्रवार को बीजेपी विधायक अजय सिंह अदालत पहुंचे और वहां उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी भी मुकदमे में स्टे लेने से पहले उनकी मंजूरी ली जाए और अगर कोई वकील इसका विरोध करता है तो उसकी मुझसे बात करवाई जाए। मगर विधायक के इस मनमाने रवैये की खबर वकीलों तक पहुंचने पर वे भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। वकीलों ने कहा कि ये सीधे सीधे न्यायपालिका में दखल अंदाजी है, ये खुल्लम खुल्ला न्याय कार्यों में हस्तक्षेप है, ये कतई बर्दाश्त नहीं है। चाहे जो भी नेता हो, चाहे जिस भी दल का नेता हो, अगर इस तरह से वो प्रभाव डालता है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र और जो ये न्यायिक व्यवस्था है इसका विरोध है। इस तरह से हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे बार के मेंबर थे, विधायक बाद में थे, इसलिए उन्होंने हम लोगों को विश्वास में नहीं लिया, बार के विरोध में काम किया। हम लोगों ने उनको प्रस्ताव ला करके मीटिंग करके अपने बार से निष्कासित कर दिया। बीजेपी विधायक होने के साथ साथ अजय सिंह बार एसोसिएशन के सदस्य भी थे, लेकिन उनके इस रवैये के चलते एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता खत्म कर दी है। वहीं अपने खिलाफ बढ़ता मामला देख विधायक अजय सिंह खुद मौके पर पहुंच गए। उनके खिलाफ धरना और नारेबाजी पर अजय सिंह ने कहा कि कम्युनिकेशन गैप की वजह से ऐसा हुआ। ये हमारा परिवार है और जहाँ परिवार होता है ना, वहाँ कभी गलतफहमी होती है, जहाँ दुर्घटन होता है वहाँ ठक्कर लगता है। मेरे अपने परिवार का मामला है, ये मेरे विरोध में नहीं है। ये गलतफहमी अगर किसी को है तो गलतफहमी दूर होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन गैप था,